गुड मॉर्निंग, सो दिस इज अनदर डे। पता है भाई, मिनिस्टर्स बैठते हैं। अभी हम चाय पीने रुके। गाइस, अभी हम धर्मशाला टी गार्डन गए थे। इज बिट पिस्ड ऑफ बिकॉज़ क्योंकि मुरमुरे जी आए हैं। Accident spotted. It's good morning. So this is another day, and I just woke up and I changed my clothes because we are going for a walk. और वॉक करते आते हुए मैं चाय भी पीऊंगी क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है गाइस। मौसम का थोड़ा, मौसम का नहीं, बहुत हमने ठंडा पानी खोल रहे हैं कितना कुछ कल वहाँ पे बार बार, क्योंकि सीट से नहीं उठना चाहते, एक एक करके हम लोग जा रहे थे। फिर कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहा है, कभी कोई खाना खा के आ रहा है, क्योंकि दोनों चल जाते तो हमारी सीट जाने का खतरा था। तो इसलिए एक एक करके एक जना खाने जा रहा था, एक जना मेरे पे सीट की देख रेख कर रहा था। ऐसे करना पड़ता है, आपको नहीं पता, आप नहीं समझ सकते, सॉरी। और अभी हम वॉक पे जाएंगे। अभी हम मिस्टर तन्वर के लिए वेट कर रहे हैं। अभी उनको टाइम लगता है ना तैयार होने में, आपको पता तो है, उनके 5 मिनट्स 50 मिनट्स होते हैं। जब हम धर्मशाला की सड़कों पे घूमते हुए सुबह सुबह, अभी थोड़ी देर पहले सनराइज हुआ है और यहाँ पे बहुत साफ सफाई है। ये तो चलो गाँव ने शिट कर दी थूक, ऋषिकेश में बहुत गंद था, यहाँ पे सफाई है सफाई। पता है भाई, मिनिस्टर्स बैठते हैं यहाँ पे, होटल जैसी वो बना रहे थे, दाढ़ी करवा रहे थे। बट सुंदर है काफी यहाँ की विधानसभा, आज सरकार ने सारा कहते सरकार चीजों को खरीद रहे थे। हम और आगे जाएंगे, वी आर रीच तपोवन गाइस। यहाँ पे भी तपोवन है, ऋषिकेश वाला तपोवन में आपको लाइन मिलेगी गाड़ियों की, और यहाँ पे आपको एक भी गाड़ी नहीं मिलेगी। मॉर्निंग वॉक इज जस्ट ऑसम। यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, मैं आपको पहाड़ भी दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ देखने के लिए होते हैं ना, हम पहाड़ों में तो पहाड़ देखते हैं। अभी हम चाय पीने रुके हैं, वैभव इज फीडिंग दिस डॉग बिस्किट्स, और ये डॉग थोड़े से नखरे कर रही है, गू गू कर रही है। बाकी फ्रेंड्स आ गए उसके, उसको शाइनेस फील हो रही है वैभव, शी इज वेरी शाय। Now she ate it. वह पास नहीं बुलाना, डर लगता है कभी कभी, यू नेवर नो। उसके बाकी फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, उनको भी दोगे अब आप? नहीं खाएगा मेरे भाई, वो भी तेरे बाकी। गली में डर जाते हैं, वहाँ की वह डॉग्स भी मर जाते हैं। ले। वो खाने नहीं दे रही उसको। And she is very active. No, she is not active. She's उसकी डोमिनेंस है यहाँ पे। खाने नहीं दे रही। You will not get any now. नहीं दूंगा तेरे को मैं। एक दिन दूंगा। ले। उसके नसीब में था नहीं। गाइस, हमने अपना एयरबीएनबी से चेकआउट कर दिया, अब हम लोग धर्मशाला में लोकल घूमने वाले हैं थोड़ा बहुत, लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं तो शायद रास्ते बंद हो, तो देखते हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, सो लेट्स गो। तोड़ के ले जाओ घर के लिए, चाय बना के दे देना गलती से इसी बहाने मुझे। आप भी बना देते हो कभी तरस खा के बेचारी पे। सो गाइस, अभी हम आए हैं धर्मशाला टी गार्डन। ये मान टी एस्टेट है,
ठीक है, मांटी एस्टेट जा रहे हैं एक्चुअल में। एक टी गार्डन भी है बट हम मांटी एस्टेट जा रहे हैं, जहाँ पे बताते हैं कि चाय कैसे बननी है गाइस। सारी चाय पत्ती लगी है, तोड़ के ले जाओ यहाँ से घर को। आपकी तरह मैं सोलो इंसान नहीं हूँ। धर्मशाला टी कंपनी टी फैक्ट्री, गाड़ी कितनी गाइस डरा रहे हैं वो गाड़ी खराब करने में। तो सो गाइस वी हैव रीच्ड हियर, विजिटर्स आर वेलकम टू सी कांगड़ा टी मैन्युफैक्चर। मंदिर है तो गाइज अभी हम धर्मशाला टी गार्डन गए थे बट वहाँ पे अंदर अभी कुछ चल नहीं रहा था, अदरवाइज वो दिखाते हैं कि हाउ वे मेक द टी, मतलब हाउ दे मेक द टी। वहाँ पे बहुत डिफरेंट 8 टाइप्स की टी थी, वहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। बट फिर हम वहाँ से आ गए, अभी हम आगे आए एक कैफ़े है तो देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो वी विल गो देयर एंड हैव आवर ब्रेकफास्ट। और मीनवाइल ये देखो आप यहाँ पे टी फार्मिंग यहाँ पे की हुई है, नहीं तो आपको ये सब देखने के लिए असम जाना पड़ेगा, नहीं तो साउथ में जाना पड़ेगा। बट इफ़ यू वांट टू विजिट सच काइंड ऑफ गार्डन और यू वांट टू सी हाउ इट इज़ डन, हाउ इट इज़ ग्रोन, सो यू कैन कम हियर इन धर्मशाला। सो वी फाइनली हैव फाउंड अ प्लेस जहाँ हम अपना ब्रेकफास्ट कम लंच कम ब्रंच कर सकें। शी इज़ बेड फेस्ड ऑफ बिकॉज we've been struggling to find a good decent place where we can have where we can dine out. So again have an idea from our expressions how much built up she is. So we have come to a restaurant called Rabta Cafe. इस तरह की है, हो गया ब्रो, सेकंड हैंड वी आर व्लॉगिंग नाउ। क्यों दिस इज वो, आज खाने को नहीं मिला था कुछ, सिर्फ एक चाय मिली है, उसे एक ब्रेड पकौड़ा भी चाहिए था। एक ब्रेड पकौड़े के लिए इतना रोना क्यों? They do some fried food. We can have some spring rolls. Not mangy. We'll have some spring rolls here. Why? हम यही खाएंगे। इसे खाने परांठे with butter. So we'll look for alternative on that. हमारा स्नैक आ गया है। हम अपने रूम से बहुत देर से निकले, फिर हम टी गार्डन गए, उसके बाद से हम घूम रहे हैं क्योंकि मुरमुरु जी आए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट जी आए हुए हैं द्रौपदी मुर्मू, जिसकी वजह से रास्ते बंद हैं। फिर हमने सोचा हम एक कैफे जा रहे थे, वहाँ हम जा ही नहीं पा रहे थे, चार बार हमें रास्ते चेंज करने पड़े। फिर डिसाइडेड तो हम अब इनके भाई भाई के कैफे जाने वाले थे बट रास्ते बंद थे, चार पांच जगह से हमें मुड़ना पड़ा, इसलिए फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर हमने सोचा हम कांगड़ा चलते हैं, वहाँ कांगड़ा फोर्ट जाएंगे। कांगड़ा जा रहे थे, वो रास्ते में ट्रक फंस गया, वहाँ से गाड़ी का रास्ता बंद। फिर हमें घूम 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 के फिर से एयरबीएनबी के पास जाना पड़ा। अब हम वहाँ से वापस जा रहे हैं, एक घंटा वेस्ट हो गया जिस चक्कर में हमारा। अब हम एक कैफे पे रुके जैसे मैंने बता दिया, मैंने गलत डायरेक्शन दे दी हमेशा की तरह, तो मैं वो खुद अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए।
हाँ तो मूवी पे शॉप ही होगा, डोंट मेंशन सकती मैं किसी के, लेट इट बी एनीबॉडी, ओके गाइस। तो इसलिए मूड ऑफ था, अब जाके फिर मैंने डिसाइड किया मैं खाना खा लेती हूँ, खाने के साथ किसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती मैं, और वैभव को देखो कैसे खफ की वजह से खाना खाई जाऊँ। बाय गाइस, अब खाना खाने कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। Here is Mr. Tanwar making ganda ganda faces, guys. Here is Vaibhav's cold coffee and it's not similar to Vaibhav's personality because he's not cold. I'm cold? You're not cold. You're angry bird. Cold kya hota hai? Sirot. Vaibhav's omelette aur iski shakal ekdam Vaibhav ki jaisi hai. ये रहा राबता कैफे, हम यहाँ से आ गए, खाना अच्छा था। और अब देखो जैसे ही हम यहाँ से निकले वैभव ने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया डायरेक्शंस के लिए, और जब मेरी डायरेक्शंस की इतनी बेइज्जती की जाती है, और मुझे फिर से फ़ोन दीजिए कि डायरेक्शंस देख देख रहे हो इस लड़के की हालत। सो गाइज वी हैव जस्ट रीच कांगड़ा फोर्ट, और यहाँ पे क्या करना है बंदरों का ध्यान रखना, गाइड्स चाहिए तो और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आने के लिए पहले, तो गाइस हम अंदर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आने के लिए पहले हमें टिकट लेनी पड़ती है, जो कि ऑनलाइन लेनी पड़ती है, और जिसको लेनी ना आती हो देन व्हाट इज गोइंग टू डू आई डोंट नो। वो कोई इतनी गर्मी में यहाँ पर लेकर आई हुआ है, वो का बिल्कुल मन नहीं है इतनी गर्मी में सड़ने का, बट ही इज सेक्रीफाइसिंग हिज स्किन टोन फॉर मी इसके बाद, क्योंकि वह काले हो जाए। गाइस अभी हम रंजीत सिंह गेट से अंदर आए, जो मैंने आपको अभी दिखाया वैभव यहाँ से एंटर हुए, अभी हम ऊपर जाने वाले हैं यहाँ से, और मतलब मुझे लगा था बहुत धूप होगी बट अंदर अंदर कहीं कहीं पर छाँव हो तो हम बच जाएंगे। आ गया जहांगीरी गेट लिखा है इंग्लिश में, बट हिंदी में लिखा जहांगीर दरवाजा। और राइस का टॉप से, सही में पुरानी जैसे वॉर होती थी ना वैसी फीलिंग आ रही है।
अरे उसकी तो नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसे होते थे ना कैसल्स, मतलब अब तो ये पूरा टूट चुका है, लेकिन जैसे पूरे वैसे उसी टाइप का है ये। जैसे कैसल को प्रोटेक्ट करना तो पूरी आर्मीज इन टॉप राउंड एजेस खड़ी हो जाएगी विद देयर बोज एंड एरोज, ऐसे होता होगा। गर्मी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप ऊपर आओगे पानी लेकर आना, क्योंकि बहुत गर्मी लगेगी अगर आप समर्स में आ रहे हो हमारी तरह। और ये मंदिर पीछे से देखो, पूरी कारीगरी की गई है। उस टाइम इसी के साथ हम लोग कांगड़ा फोर्ट को भी कवर कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हेड बैक टू चंडीगढ़ बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस। और अभी बहुत गर्मी है और यहाँ पे और कुछ स्पेशल है नहीं कवर करने के लिए। सो दिस वाज द लास्ट प्लेस इन आवर आइटिनरी पर धर्मशाला मैक्लोडगंज एंड कांगड़ा आई वुड से। सो नाउ वी आर गोइंग टू गो एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वेबर, देन वी विल रीस्टार्ट आवर जर्नी। एक्सीडेंट स्पॉटेड, गाड़ी देखो कहाँ पे पहुंच चुकी है, पतले फ्लाईओवर से इधर आई है उठती हुई। ऐसे तो नहीं हो सकता, बीच में वो है, नॉट श्योर कैसे, बट गाड़ी की हालत देखो गाइस। नंगल डैम के इधर इतना गंदा एक्सीडेंट, इसीलिए बोलते हैं ड्राइव सेफ, ओवरटेक मत करो, अपनी 60 की स्पीड से चला लो, ऐसे ऐसे चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मिस्टर तनवर भी आज चला रहे थे उड़ते हुए, मैं भी उड़ते हुए आराम से चला रहा हूं। देखा मैंने, मेरे को पता है क्या देखा तुम, ऐसे बैठी थी वैसे ऐसे ऐसे पे उतरती कैसे बैठी थी इसको ऐसे पकड़ के ऐसे, तो वो तो ऐसे मैं करूं तो ऐसे पकड़ लूंगी अभी। चलो यार अब गंदी ड्राइविंग। गाइस फाइनली वी आर बैक होम और हम घर पहुंच चुके हैं और हम बहुत थक चुके हैं, इसलिए खाना तो अब बना नहीं सकते। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, आई वॉज जस्ट सिटिंग, आई वॉज पैसेंजर प्रिंसेस विद द पर्सन हु गिव्स द रॉन्ग डायरेक्शंस। मैंने कुछ नहीं किया बट मैं स्टिल थक गई, तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है क्योंकि हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। अब कल देखते हैं ऑफिस का कैसे करना है, सुबह ऑफिस भी जाना है। और वैभव ने आते अपनी इंपॉर्टेंट ड्यूटी संभाल ली है, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स ने इतने दिनों से पानी नहीं पिया, प्लांट्स प्यासे थे, सारे फूल मुरझा गए, तो वैभव बहुत सैड है इस वजह से। अभी वैभव ने पानी दिया ना, अभी थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएंगे, दे विल स्माइल बैक, दे विल गिव रिटर्न स्माइल टू वैभव से। और हम घर आए हैं तो देखो मेरे इतने सारे ऑर्डर्स भी आए हुए थे जो मैं अभी नहीं कर रही अनबॉक्सिंग, ये सारे ऑर्डर्स मेरे मिंत्रा H&M नाइका ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब हम बाद में करेंगे। और अब आप कपड़े बदलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और खाना आएगा तो खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। सो जाते नहीं, हमने शायद OTT पे मूवी आ गई ना शैतान, वो देखेंगे, नहीं तो IPL का मैच देखेंगे। तो हमारी जर्नी धर्मशाला की अच्छी थी, बस आज थोड़ा सा क्योटिक सा हो गया बिकॉज ऑफ प्रेजिडेंट्स विजिट, तो रोड्स में प्रॉब्लम्स थी ना, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, मतलब बंद बंद थी कहीं कहीं पे। तो इसी के साथ हमारा ऋषिकेश नहीं है गाइस, धर्मशाला है, धर्मशाला मैक्लोडगंज कांगड़ा ट्रिप ख़त्म होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं कैसे ग्रो करूँगी, यू नो दिस। ओके गाइस, बाय नाउ, सी या, चाओ।